हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस, अगर आपका भी एसेंचर में 17 जुलाई और 24 जुलाई को ऑनबोर्डिंग होने वाली थी, तो गाइस फाइनली एसेंचर आपके ऑनबोर्डिंग डेट को एक्सटेंड कर दिया है। यानी कि सबसे बिगेस्ट चेंज करी हुई है आपके ज्वाइनिंग और ऑनबोर्डिंग की डेट में। तो गाइस, मैं आपके साथ इस वीडियो में इसी पे बात करने वाला हूँ। और तो गाइस, अगर आपका भी ऑनबोर्डिंग होने जा रही थी, तो गाइस ये वीडियो आप लोग के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि गाइस मैं आपको सब कुछ बताने वाला हूँ कि कितने कैंडिडेट्स को ये ऑनबोर्डिंग का जो डेट है वो एक्सटेंड हुआ है, और कितने कैंडिडेट्स को ये अनबोर्डिंग मिलने जा रही है या नहीं मिलने जा रही है। सब कुछ गाइज आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। ये गाइज सबसे बिगेस्ट चेंज एसेंचर की तरफ से देखी जा रही है, जो कि इसके पहले इतना ज्यादा चेंजेस कभी नहीं करी थी जितना इस वाले जो जो अनबोर्डिंग में करने जा रही है। और गाइज मैं आपको बता दूं कि ये जितने कैंडिडेट हैं, जो 67 रोल के कैंडिडेट है, जो 12 रोल के कैंडिडेट हैं, इनकी अनबोर्डिंग होनी थी, उनके लिए सबसे बड़ी अपडेट है। तो गाइज मैं आपको वन बाय वन करके सब कुछ एक्सप्लेन करके डिटेल से बताने वाला हूँ। तो बिल्कुल भी गाइज वीडियो को स्किप मत करना, और वीडियो को एंड तक देखना गाइज, ताकि जो भी मैं बताऊँ आपको वो अच्छे से समझ में आ सके। उससे पहले गाइज, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि गाइज कोई भी अपडेट मैं आपके पास लेके आऊँ वो सबसे पहले आपको पता चल सके। तो चलिए गाइज वीडियो का स्टार्ट करते हैं। तो गाइज आप सबको पता होगा कि बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो कि 67 रोल के कैंडिडेट है, 12 रोल के कैंडिडेट है, और इनकी जो ज्वाइनिंग है वो 17 जुलाई को होने जा रही थी और 24 जुलाई को होने जा रही थी। लेकिन गाइज इसी भी सबसे बड़ी चेंज करी हुई है सेंचर, और आपके जो डेट है उसको एक्सटेंड कर दिया है। और गाइज फाइनली ये 12 अगस्त को ये आपके अब अनबोर्डिंग देने जा रहे हैं। और गाइज ऐसा भी देखा जा रहा है और ऐसा भी अपडेट आ रहा है कि सारे जितने कैंडिडेट हैं उनकी ये डेट को एक्सटेंड कर दिया गया है। कुछ कैंडिडेट ऐसे होंगे जिनको अनबोर्डिंग दे दी जाएगी, लेकिन फाइनली जितने रिमेनिंग कैंडिडेट जो वेट कर रहे थे अपना अनबोर्डिंग के लिए, उनको एक्सटेंड कर दिया गया है। तो चलिएगा एक बार मेल से देख लेते हैं कि उस मेल में क्या क्या लिखा हुआ है जो कैंडिडेट के पास रिसीव हो रहा है। तो गाइज अगर आपका भी एसेंचर में 17 जुलाई को और 24 जुलाई को अनबोर्डिंग होने जा रही थी, तो गाइज एक बार आप लोग अपना मेल चेक करना, आप लोग के ये जो अनबोर्डिंग डेट है इसमें सबसे बिगेस्ट चेंज करी हुई है। और गाइज फाइनली जो आपके जो अनबोर्डिंग होने वाली है वो 12 अगस्त को होने जा रही है। तो जितने भी रिमेनिंग कैंडिडेट हैं जिनके पास ये अनबोर्डिंग की डेट आई थी, ये एक्सटेंड हो चुकी है गाइज, जो कि गाइज मैं आपको बता रहा हूँ। कुछ कैंडिडेट ऐसे होंगे जिनको अनबोर्डिंग दी जाएगी, और जितने बचे हुए हैं इनको गाइज बाद में अनबोर्डिंग दी जाएगी। यानी कि गाइज 12 अगस्त को इनकी अनबोर्डिंग देखने को मिल सकती है। आप लोग ये गाइज मेल देख सकते हो जो कि अनबोर्डिंग से पहले कैंडिडेट के पास आए थे। इसमें लिखा हुआ था गाइज, डियर कैंडिडेट, वी होप यू आर वेल एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू योर स्टेट डेट। यू शुड हैव रिसीव एन ई मेल अबाउट काउंट डाउन टू एसेंचर एंड हैव ब्राउज थ्रू वन सम ऑफ कंटेंट अराउंड वाट टू एक्सपेक्ट फ्रॉम द कैरियर एट एसेंचर। वन ऑफ द ग्रेट थिंग्स अबाउट वर्किंग फॉर अ कंपनी ऑफ 7 लाख प्लस पीपल इज द साइज एंड स्केल ऑफ अपॉर्चुनिटी डेट आर अवेलेबल टू यू। आगे का जिन्होंने लिखा हुआ था कि नाउ टू हेल्प यू सेटल इन टू योर न्यू रोल एज स्मूथली एज पॉसिबल, वी वॉन्ट टू इंट्रोड्यूस यू टू आवर ऑनबोर्डिंग डैशबोर्ड इन द वर्क डे। ये गाइज इन्होंने अनबोर्डिंग से पहले स्टाफ के मेल भेजे हुए थे। आगे इसमें लिखा हुआ टू एक्सेस वर्क डे, क्लिक ऑन द वर्क डे डॉट एसेंचर डॉट कॉम एंड सेलेक्ट द रिक्रूटिंग कैंडिडेट साइन इन ऑप्शन एंड यूज द सैम्पल पर्सनल ईमेल एड्रेस एज अ यूजर नेम एंड पासवर्ड एंड यू यूज ड्यूरिंग द अप्लीकेशन प्रोसेस। तो गाइज ये सबसे बड़ी अपडेट जो कि उन्होंने बताई हुई थी, फ्रॉम योर होम पेज क्लिक ऑन जूली स्वीट वेलकम्स मैसेज अंडर अनाउंसमेंट सेक्शन देन क्लिक ऑन अनबोर्डिंग। तो गाइज अनबोर्डिंग जिनको होने वाली थी उसके लिए गाइज इस टाइप की मेल आई थी, और इनकी 17 और 24 को अनबोर्डिंग होने जा रही थी। तो गाइज इनकी गाइज डेट बढ़ चुकी है, और गाइज जो इनको अपडेट आ रहे हैं आपको इस टाइप से मेल देखने को मिल रहे हैं, इंपॉर्टेंट अपडेट, यू हैव अ न्यू स्टार्ट डेट विद एसेंचर। तो अगर आपके भी डेट एक्सटेंड हुए होंगे तो इस टाइप के आपके पास अपडेट देखने को मिल जाएंगे। इसमें गाइज लिखा हुआ है वी आर रीचिंग आउट टू इन्फॉर्म यू डैट यू स्टार्ट डेट हैज चेंज एंड यू कैन फाइंड योर न्यू कवर लेटर डिटेनिंग दीज चेंजेज ऑन योर होम पेज। तो गाइज इस लिंक पर क्लिक करके भी आप लोग देख सकते हो। तो गाइज फाइनली आपके 12 अगस्त तक आपको ये जो अनबोर्डिंग है वो देखने को मिल सकती है। तो गाइज ये सबसे बिगेस्ट चेंज करी हुई है एसेंचर अभी तक के जितने भी इन्होंने अनबोर्डिंग दी हुई है, यानी कि गाइज दोनों डेट को इन्होंने चेंज कर दिया है। तो चलिए गाइज आपसे फिर मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। अगर आपको इसको लेके कोई डाउट हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ सकते हो। तो तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।